ओम शांति। आज 19 नवंबर की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3/4/96 मधुबन। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों को। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। सभी ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन। निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई, कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है व आपको है, दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 10% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले एक सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले, ऐसा चार्ट है। क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदाकाल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान।
जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य यह बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी बहुतों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं, तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजोरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है, कहाँ ना कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वह समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करे, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है, देह भान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं? क्या है, नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो? उसमें किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल हैं उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा? बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो।
तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यहाँ मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे, आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो साधन और साधना का बैलेंस। क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं, अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है, साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है तो कौन मानेगा। साधन हो और वैराग्य हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फलस्थ नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्होंने प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देशी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा समझा, क्या करना है, सहज है या मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं, साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं, ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे जैसे चाहे विल पावर चाहिए, विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप।
जो चाहें वह प्रैक्टिकल कर सकें, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे। विल पावर है कि पावर है, संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं, और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5, ऐसा तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसे विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब आपसे रूह रिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होते, बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता, वाह मेरे बच्चे। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते। हॉल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्यों, दूसरे को चांस देना यह सेवा की ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है, तो दिल तख्तनशीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्तनशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमद के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया। वरदान है एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अकुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बन। सबसे ज्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वपन में भी दूजा, व्रता न हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। स्लोगन है मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया। ओम शांति।